आप संतरे तो खाइए लेकिन इसके छिलके को फेंकिए मत। तो इसके छिलके को आप क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमुद। मम्मी की रसोई बाई कुमुद में स्वागत है आपका। तो जैसे जैसे संतरा खाते जाइए वैसे वैसे इसके छिलके को इकट्ठा करते जाइए। और अब आपको इसे इस तरह छोटा छोटा करके ना धूप में रख के सुखा लेना है। तो 2 से 3 दिन लगेंगे आपको। अगर छांव में पंखे के नीचे आप रखना चाहते हैं तो भी ये सूख जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी थोड़ी सी नमी है मौसम में तो आप हल्की हल्की से धूप दिखाइए और धूप में इसे सुखा लीजिए। अब इसको आपको अपने मिक्सी जार में लेना है और इसको पीस लेना है, यानी कि इसका बारीक फाइन पाउडर बना लेना है। और ये देखिए कैसा ये फाइन एकदम पाउडर हो गया है। और इसको अब हम छान लेंगे। तो इसको छान लेने से होगा कि ये मोटा मोटा जो है इसमें इसका निकल जाएगा। कलर देखिए कितना खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है जैसे एकदम फ्रेश ऑरेंज को हमने पीसा है। और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, ऐसा लग रहा है एकदम ताज़ा ताज़ा हमने ऑरेंज ले रखा है। तो आप चाहे तो ऐसे छाननी में छान लें, थोड़ा थोड़ा डाल करके इस तरह, या फिर आप चाहे तो ऐसे बड़े से आटा छानने वाले में छान लें। और ये देखिए मैंने इसे छान लिया है और ये जो थोड़ा मोटा मोटा बचा है ना, तो आप चाहे तो इसको दोबारा पीस लीजिए। दोबारा से ये बहुत आसानी से पीस जाएगा। और ये देखिए एकदम फाइन पाउडर हमको मिल गया है। आगे इससे क्या क्या कर सकते हैं और ये किस किस काम में हम ला सकते हैं इसको, मैं आपको आगे जब वीडियो बनाऊँगी तो दूँगी। तो ये देखिए ये बना करके आप तैयार कर लीजिए। और टिप अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब ना आप कोई भी खाली शीशी हो उसमें आप इसको इस तरह स्टोर करके रख लीजिए। एक बार बना करके आप इसे रख लीजिए। तो ये देखिए ये जो थोड़ा मोटा वाला था ना, इसको भी मैंने चलाकर थोड़ा सा बारीक कर लिया। फिर भी अभी भी ये दरदरा सा है, तो बस हमको ऐसा ही चाहिए। इसको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। ये भी हमारे बहुत यूज़ की चीज़ें हैं, तो ये मैं आपको आगे अपने वीडियो में बताऊंगी कि इसका आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं।